हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मनीषा और आपका स्वागत है मेरे फूड चैनल मनी फूड विला में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही धमाकेदार और तीखा चटपटा सरसों टमाटर की चटनी। इसके लिए मैंने 5 मीडियम साइज के पके हुए टमाटर लिया है, 5-6 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच राई, 7-8 हरी मिर्चें, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच सरसों का तेल। तो चलिए दोस्तों, चटनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लहसुन को एक मिक्सर जार में डाल लेंगे, राई को भी डाल लेंगे। अब हम नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे। आप मिर्च अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आपको जितना तीखा चाहिए। तेल डाल लेंगे और अब हम टमाटर को चाकू से कट करके इसमें डालेंगे। इसे ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से भी 2 भाग करके इसमें काट कर डाल सकते हैं। आपके टमाटर अच्छे से पके हुए होने चाहिए तो आपकी चटनी और भी अच्छी बनेगी। अब हम इसे ढक्कन बंद करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, मतलब कि चटनी तैयार कर लेंगे। और यह देखिए, मैंने यहाँ पर चटनी पीस लिया है। अब हम इसे आपको निकाल कर दिखाने वाले हैं। यह देखिए, इस तरह से स्मूथ पीसा हुआ होना चाहिए। अब हम इसे कटोरा में निकाल लेंगे या फिर आप डायरेक्ट इसे सर्व भी कर सकते हैं। यह चटनी थोड़ी सी चटपटी स्पाइसी होती है, आप इसे समोसे के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको जरूर पसंद आएगी, आप इसे जरूर ट्राई करें। यह देखिए, ये बनकर तैयार हो गया है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।